गीता भगवान ने बोला धीरज के जहाज से सवार हो जाओ, इसमें उतावलापन नहीं करो, जल्दीबाजी नहीं करो, अपना एम ऊंचा रखो और उसके लिए बढ़ने का प्रयास करो। और अगर बीच बीच में तुम फेल हो भी जाते हो प्रयास में, तो उसका अफसोस नहीं करो। जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और जो दुख सुख परीक्षाएं हालतें वक्त वक्त पर आती है, वो शरीर के प्रारब्ध के हिसाब से आती रहती है। और ज्ञान में लगातार लगे रहो तो उन सबको अंदर से सहने की शक्ति भी तुमको मिल जाती है। ऐसा अंदर से महसूस होता है कि सहन भी तो भगवान ही कर रहा है, हम कहां सहन करते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम इतनी बड़ी परिस्थितियों को झेल सकते। लेकिन अंदर जो शक्ति है ईश्वर की, वही सब कार्य करती है। और अपने आप को इतना हल्का कर दो, सब कुछ उसके ऊपर सौंप दो। परीक्षा भी तुम दोगे, कार्य भी तुम करोगे, आगे भी तुम बढ़ाओगे। हमने तो बस पांव रख लिया, जहाज में बैठ गए, उड़ेगा अपने आप। जहां का जहाज होगा वहां पहुंचाएगा, लंदन का है तो लंदन पहुंचाएगा, अमेरिका का है तो अमेरिका पहुंचाएगा, दिल्ली का है तो दिल्ली पहुंचाएगा। जहां की टिकट ली होगी वहां पर बैठे हैं, जो संकल्प रखा है वहां पहुंचा देगा। जब पहुंचना होगा तब पहुंच जाएंगे। कभी ट्रेन लेट हो जाती थी तो सब घबराते थे, अरे सुबह से 6 बजे पहुंचने वाली थी, 12 बज रहा है। दादाजी कह रहे थे वहां भी तो पहुंच के सत्संग करना है, यहाँ ट्रेन में बैठ के भी हम सत्संग कर रहे हैं, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है। अगर लेट भी हो रही है वो बात नहीं, वही काम घर में भी करना है, वही काम यहाँ भी करना है। ट्रेनें बंद हो जाती है तुम घबराते, पता नहीं कब खुलेगी। अच्छा है बंद है तो जाम बैठे, गुरु के पास ही बैठे। बंद हो गई है तो भगवान का कार्य चल रहा है। ऐसे शायद घर से इतनी छुट्टी नहीं मिलती, अभी तुमको छुट्टी मिल गई है। तो धीरज रख के चलो, हर एक चीज को पॉजिटिवली उठाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव नहीं सोचो। तुम्हारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग जल्दी आ जाती है, मन पॉजिटिव कम सोचता है, उसको नेगेटिव सोचने की आदत है। ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा तो फिर माया में तो नहीं फंस जाऊंगा, फिर लोग ये कह रहे हैं, फिर लोग वो कह रहे हैं, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा। तुम्हारे यहाँ का निश्चय क्या है, तुम अपनी बात सोचो। जो तुम यहाँ संकल्प करेंगे वो तुम्हारा पूरा होगा। तुम अपने निश्चय से हिलते डुलते रहते, कल इतनी निश्चय की बात चली तो तुम उसी निश्चय को पकड़ो ना, फिर दूसरा कुछ कहेगा तो उसकी बात पकड़ोगे, फिर तीसरा कुछ कहेगा फिर उसकी बात पकड़ोगे। तो तुम्हारा निश्चय क्या है, तुम्हारी गुरु में कितनी आस्था है, भक्ति तुम कहना चाहते हैं गुरु की, हमको भक्ति, भक्ति क्या है। तुम सत्संग में आते हो, गुरु के वचन सत सत करके उठाओ, यही तुम्हारी भक्ति है। भक्ति कोई तुम्हें आराधना नहीं करनी है, कोई तुम्हें सेवा नहीं करनी है, तुम्हें पैर नहीं दबाने हैं, तुम्हें खाना नहीं बना के खिलाना है। वक्त मिलता है तुमको, आता है तो बना लो, सेवा सामने आती है तो कर लो, पानी भरने को कोई बोलता है तो वो भी भर लो, फर्श धोने को बोलता है तो वो भी बोलो, सब्जी काटने को बोलता है तो वो भी, शरीर काट रहा है कोई बात नहीं है। जो भी कार्य सामने आता है उसको भक्ति पूर्वक करो,
करने वाला भी राम, देने वाला भी राम, लेने वाला भी राम, वो वही राम, छुरी भी राम है, सब्जी भी राम है, तुम भी राम है, हम भी राम है, वही राम। तो क्या खराब हो रहा है? कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, जो हो रहा है वो ईश्वर के हुक्म से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। कोई भी काम गड़बड़ नहीं है। जो आज तुमको गलत दिख रहा है, हो गया, तुम्हारे मन में संकल्प आया, गुरु को आ गया, चलो तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब आगे ट्रेन पटरी पर आई है, चलेगी, तुम चिंता क्यों करते? एक पल के बाद क्या होने वाला है तुमको ये भी सोचना नहीं है, क्योंकि गॉड हैज प्लान फॉर यू एवरीथिंग। दादा ने बोला भगवान ने तुम्हारी प्लानिंग कर रखी है, अब तुमको कुछ नहीं सोचना है, प्लान फॉर एवरीथिंग, क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, कहाँ से खर्च आएगा, कहाँ से पूरा होएगा, जो कार्य करा रहा है वो करेगा पूरा, मुझे क्या सोचना है? ईश्वर ने सोचा है वो पहुंचा रहा है, वो खिलाएगा, वो चलाएगा, वो सत्संग तक ले जाएगा, वो अपना निष्काम कार्य कराएगा। जहां बैठेंगे एक ही संकल्प रख के बैठो, तन से हो हरी भक्ति का काम, तो भगवान तुम्हारे से वो काम लेगा। जो चीज जिस योग्य होगी उससे वो कार्य होगा, जो चीज जिसके लिए बनी है उसमें से, आज चाकू बना है सब्जी काटने के लिए तो तुम उससे सब्जी काटेंगे ना, घर बनाए रहने के लिए तो तुम घर में रहेंगे, पलंग बना सोने के लिए तो तुम उसके ऊपर सोएंगे। तो जो चीज जिस कार्य के लिए बनी है उससे वही कार्य होगा। अगर तुम अपने जीवन को ईश्वर के कार्य में समर्पित कर रहे हो तो भगवान तुमसे ये कार्य लेगा। तुम इसमें संशय क्यों रखते हो? हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो जाए, आज तो नहीं होगा। बंदरों ने बीज डाला, आ गए तीसरे दिन फल खाने के लिए, हमने आम बोया है तो आज निकल आया होगा, हम खाते हैं जाके, देखा वो तो गुठली पड़ी है, अंकुर निकल आया, अब वो गुठली भी बेकार हो गई, आम भी बेकार हो गया, खुद खाद के कभी पेड़ उसमें जो उगेगा ही नहीं। तुम लोग भी आते हैं गुरु जी ज्ञान लगने में देर, अरे आज आए हो तुम अभी, तुम लोग को दिन ही कितने हुए हैं, इतनी जल्दी तुम्हारा आम का पेड़ बड़ा भी हो जाएगा, तुम आम भी खा लोगे, तुम्हारे कार्य भी हो जाएंगे, तुम गुरु समान भी हो जाओगे, तुम्हारा निष्काम भी हो जाएगा, तुम्हारे घर के काम भी छूट जाएंगे, परीक्षाएं भी खत्म हो जाएंगी, बंधन भी खत्म हो जाएंगे, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। बस हो गई ना बात, कितनी जल्दी पूरी हुई, 10 मिनट भी नहीं लगे कहने में, तुम समझते हो कैसे हो जाएगी, दिमाग पागल है, ये सोचता बहुत ज्यादा है करता नहीं। कोई भी संकल्प करते हो तो कार्यान्वित करो ना उसको, कार्यान्वित नहीं करेंगे उसको, बस हो जाए, अभी हो जाए, अभी ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, फिर इसमें परिश्रम लग रहा है, अरे तो किस काम में परिश्रम नहीं लग रहा, एक बच्चा पालने में परिश्रम है, एक नौकरी करने में परिश्रम है, एक पढ़ाई करने में परिश्रम है, इंजीनियरिंग पास करने में परिश्रम है, डॉक्टर बनने में परिश्रम है, मुर्दे चीरने पड़ते हैं, कौन सा काम तुम बिना परिश्रम के करते? फैक्ट्री चलाना आसान नहीं है, दुकान चलाना आसान नहीं है, धन कमाना आसान नहीं है, तो क्या भगवान बनना बड़ा सरल हो जाएगा? इसके लिए दिन कमाइए नान काम हुए साधन जड़ों पर, हम कुछ कमाई करें नहीं और हम साधु बन जाए, हमको रास्ता भी मिल जाए, हमको ये भी काम न करना पड़े, हमको नौकरी भी न करनी पड़े, घर के काम भी न करने पड़े, बस हम ब्रह्म ज्ञानी होके कुर्सी पर बैठ के सत्संग करें, एक लेक्चरार बन जाए। हर एक को लेक्चरार बनने की जल्दी है और लेक्चर देना आ भी जाता है, कुछ कठिन नहीं है लेक्चर देना, लेक्चरार बनना बहुत सरल काम है, लेकिन लेक्चर देना कोई ज्ञान नहीं है। पहले ज्ञान में सहनशीलता आ जाए, तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाए, तुम्हारे अंदर नम्रता आ जाए, तुम्हारे अंदर सद्गुण आ जाए, तुमको सहने की ताकत आ जाए, घर में हर परिस्थिति को मुस्कुरा के सामना करो,
जो हालत आ जाए उसके लिए तैयार रहो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर तुमसे लिखवा के लेंगे, पेशेंट तुम्हारा एडमिट हो रहा है, मर भी जाए तो तुम सिग्नेचर कर दो, इसमें हमारा दोष नहीं है, तुम कर देते। तो ये थोड़ी सोचते हैं ये मर के ही आएगा, सोचते हैं कि डॉक्टर ने करवा दिया फ्रेंड, लेकिन वो ठीक होने गया है। अंदर में ऐसा भाव होता है और ठीक होके भी आता है। गीता भगवान करते कहते थे, अगर तुम बुरा संकल्प करेंगे तो जरूर मर जाएगा, पर तुम अगर अंदर में अच्छा संकल्प रखते हो तो जरूर ठीक होके आएगा। पर अंदर वाला तुम्हारा एक भी बुरा संकल्प न करे, इतना पकड़ लेते थे कस के। अगर तुमने एक बार भी बुरा ख्याल किया, ऐसा हो न जाए कहीं घर वाले मेरे को जबरदस्ती ये काम करा न दें, हमारे घर वाले हमारी ये परीक्षा ले न लें, फिर कहीं हम फेल हो न जाए, तो जरूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने लगा दिया पहले से ही, संशयात्मक बुद्धि हो गए तुम, ना तो तुम्हें निश्चयात्मक बुद्धि हो न चले हो, एक एक कदम चल रहे हो, मंजिल मिलेगी, चाहे तुम कछुए की चाल भी चलो, लेकिन कछुआ भी तो मंजिल पर पहुंचा, खरगोश तो बीच में ही सो गया, उसको अपने तेज चलने पर गर्व था। कभी कभी हम लोग ज्ञान में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं तो गर्व हो जाता है, हम तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कभी परिस्थिति आ जाएगी पीछे भी लहर ले जाती, हम लोग लहरों में नहाने गए तो खड़े यहां हुए, नहाए आ रहे, लहर ने उधर पहुंचा दिया, फिर उधर से उधर पहुंचा दिया, उधर से उधर पहुंचा दिया, तो लहरें हैं कहां से कहां पहुंचा दें, फिर आखिर तो अपने मंजिल में आए, आखिर तो अपने घर में आए, आखिर तो अपनी गाड़ी में बैठे, आखिर तो अपनी मंजिल पर आ गए। लक्ष्य क्या है हमारा, व्हाट इज योर एम, ना तुम क्या उद्देश्य रख के आए हैं, गुरु की दरबार में बैठे हैं, सच की दरबार में बैठे हैं, सच की दरबार में बैठ करके कोई खोटा ख्याल करना वो तुम्हारा धर्म नहीं। कहीं ये ऐसा न सोच ले, कहीं वो ऐसा न सोच ले, अरे तुम्हारा धर्म है सबको प्रेम का भाव रखना, इसके लिए भी मन में कोई गलत विचार नहीं रखो।